हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे और मेहनत में जुट गए होंगे। जैसा कि हमने कहा आपसे कि क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। एक एक लेक्चर आपने देख भी लिया होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी आपने देख लिया होगा, फिजिक्स में भी आपने देख लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। आज हम वेक्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। कल हमने वेक्टर के टाइप्स पढ़ लिए थे, आज हम लेंगे बच्चों वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को देख लीजिए आप। सपोज बच्चे यार, ये दो वेक्टर्स गिवन है आपके पास। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है और आपसे कहा जाए फाइंड देयर रिजल्टेंट। जब कभी भी किसी सवाल के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि फाइंड देयर रिजल्टेंट, इसका मतलब ही होता है कि आपको एडिशन का रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, एडिशन का रिजल्टेंट बताना है। अब यहां पर बच्चों हम किस ऑर्डर में लें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लें, ऑर्डर भी देखना होगा, ध्यान रखना। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारा सेकंड वेक्टर है। बस आपको यही देखना है, जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा उसके हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को कॉन्साइड करना होता है। टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज कॉन्साइड विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो एज इट इज इस वेक्टर को उठाकर आप यहां रख सकते हो। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो आप इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां रख दीजिए बच्चों। ये आपने ए वेक्टर को रख दिया एज इट इज, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन के अंदर आपने बना दिया। ऐसे ही आप बी वेक्टर को उठाकर यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, ये आपने बी वेक्टर को रख दिया बच्चों। ठीक है, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को कॉन्साइड कर देना है और लास्ट में फिर आपको फर्स्ट की टेल से सेकेंड के हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है। वही वेक्टर, ड्रॉन वेक्टर जो होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट बन जाता है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को कॉन्साइड करना है, फिर फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है और जो ड्रॉन वेक्टर होगा वही उन दोनों वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट बनेगा। अब जैसे इस ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो इसमें पहला वेक्टर कौन है बच्चों, बी वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन है, ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का हेड होगा, ए वेक्टर की टेल होगी। तो ध्यान से देखिए, ये बी वेक्टर एज इट इज जितना बड़ा था उतना ही बड़ा मैंने बना दिया बच्चों। अब इसके हेड पर इस ए वेक्टर की टेल को कॉन्साइड कर दीजिए और फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए। वही ड्रॉन वेक्टर जो होगा, सपोज ये आर डैश है, ये कहलाएगा बच्चों बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर। अब खास बात क्या है कि ऑर्डर चाहे आप ये रखो चाहे ऑर्डर ये रखो, आप देखो इस ऑर्डर का रिजल्टेंट ये बना है बच्चों और इस ऑर्डर का रिजल्टेंट ये वाला बना है। अगर मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा ये दिख रहा है मुझे, उतना ही बड़ा ये भी नजर आ रहा है और ये इस डायरेक्शन के अंदर है, ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैं कह सकता हूं हियर मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर डैश वेक्टर एंड हैव सेम डायरेक्शन देयरफोर आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। और आर वेक्टर की वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आर डैश वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करें या बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करें, रिजल्टेंट पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। इसी को कहा जाता है बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी वेक्टर एडिशन ऑलवेज फॉलोज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर में किसी को भी ऐड करो, रिजल्टेंट पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये ग्राफिकल मेथड से मैंने वेक्टर को ऐड करना सिखाया बच्चों। अब इसी एडिशन के अंदर हमारे पास आते हैं बच्चों तीन इंपॉर्टेंट रूल्स। वो रूल्स क्या है, लॉस जिनको आप कहते हो। सबसे पहले आता है बच्चों इसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल। चलिए देखते हैं भाई लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है। लॉ ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, लॉस को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ हमारा आता है बच्चों लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू लॉ व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू रेगुलर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मैंने बोला है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू रेगुलर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहां दो आपके लिए नए शब्द हैं, एक है रेगुलर साइड्स और एक ये बोला ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम नहीं बताया, इसका मतलब ट्राइंगल तो आप कोई सा भी ले सकते हो बच्चों, जैसा आपका दिल करे वो ट्राइंगल आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, आप चाहो तो नामांकन कर दीजिए इसका, एबीसी आपने नाम दे दिया इसका। अब बोला है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू रेगुलर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, रेगुलर साइड का मतलब होता है एक वेक्टर जहां खत्म हो, रेगुलर साइड का मतलब ट्राइंगल की एक साइड जहां खत्म हो वहीं से दूसरी स्टार्टेड साइड। जैसे मैंने कहा मान लो पहली साइड मैंने अज्यूम करी ए बी, ए बी का मतलब होगा ए से स्टार्ट बी पर खत्म, तो बी सी इसकी रेगुलर साइड बनेगी। तो इन रेगुलर साइड को दो रेगुलर वैक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लिया बच्चों ये पहला वैक्टर मेरा ए बी जिसको आपने बोल दिया पी वैक्टर, तो दूसरा रेगुलर वैक्टर बनेगा बी सी, यानी कि इसको क्यू वैक्टर बोल दीजिए आप। ये दोनों रेगुलर ऑर्डर में है, एक जहां खत्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट होता है हमेशा टेल से और खत्म होता है हमेशा हेड पर। तो यहां पर पी वेक्टर का एंड हुआ बी पॉइंट पर और क्यू वेक्टर की स्टार्टिंग हुई बी पॉइंट से, तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ध्यान रखना। देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर, तो आप अपोजिट ऑर्डर का मतलब हो गया अगर सी ए ले लिया तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा ए सी लीजिए आप, यही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा बच्चों। इसको आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना ए बी वेक्टर के अंदर बी सी वेक्टर को ऐड किया हुआ है, रिजल्टेंट बना है ए सी वेक्टर। ए बी ध्यान से देखो, ए से स्टार्ट बी पर खत्म, ये जहां खत्म हो वहीं से ये स्टार्ट हुआ है और सी सी वेक्टर। तो जो भी इस रेगुलर ऑर्डर में जितने भी वेक्टर्स का एडिशन पूछा जाए ना, तो रिजल्टेंट ध्यान से देखो फर्स्ट लेटर और आखिरी लेटर मिलकर बना देता है, बीच वाले सब हट जाते हैं, बीच वाले सब हट जाते हैं ध्यान रखना। फर्स्ट लेटर और आखिरी लेटर से रिजल्टेंट बन जाएगा, पर होने चाहिए सब रेगुलर ऑर्डर के अंदर। ऐसे अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये अपोजिट ऑर्डर की साइड ही दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब एडिशन। ध्यान से देखो तो एडिशन लो ही है, पहला वेक्टर पी वेक्टर उसके हेड पर देखो क्यू वेक्टर की टेल कौन साइड हो रही है, और पी वेक्टर की टेल से सी की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये वही ग्राफिकल मेथड से जो वेक्टर एडिशन बताया बच्चों वही चीज है, ये लॉ ऑफ ट्राइंगल है। अब इस पर बेस जो सवाल आते हैं, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, जरूरी नहीं है ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना। सॉरी, मान लीजिए कि आपसे ऐसे कहा जाए कि बच्चों व्हेन थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट थ्री रेगुलर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मान लो ये पहला वेक्टर है अपने पास में ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है सी ए, तीनों की तीनों रेगुलर ऑर्डर में ले लिए तो आपको एक क्लोज ट्राइंगल नजर आएगा, और इनका रिजल्टेंट अगर पूछ लिया जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर बराबर होगा बच्चों नल वैक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की कहीं जगह ही नहीं है हमारे पास, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, क्लोज पॉलीगन कहलाता है ये। तो जब क्लोज पॉलीगन बने, चाहे ट्राइंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे कोई भी हो, कोई सी भी शेप बननी हो पर क्लोज अगर है सभी वेक्टर से क्लोज अगर, तो रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर ही बनेगा। पर ध्यान रहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर पूछ लिया जाएगा बच्चों तो जीरो बनेगा, तब जीरो बनेगा। यानी व्हेन थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट थ्री रेगुलर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन
their resultant becomes null vector or magnitude of sum of all these vectors should be zero. आप ये भी कह सकते हो, ठीक है. अब इस पर वेस्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे बने बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए जरा ध्यान से. एक बार क्वेश्चन ऐसे बना बच्चों, ट्राइंगल दिया आपको कुछ ऐसा बनाकर, ठीक है. यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया उसने ए वेक्टर, यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया उसने सी वेक्टर, यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया उसने बी वेक्टर, और बोला विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट. ऑप्शन दे दिए आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. दूसरा दे दिया आपको सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. तीसरा आपको दे दिया उसने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर. चौथा दे दिया आपको सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, विच इज करेक्ट. ध्यान से देखो, तो यहां बोला कि आप खुद ही सोच लो, पहले रिजल्ट आप अपने आप का बना लो. मैं जरूरी नहीं है सारे ऑप्शन भी करेक्ट भी करवा सकता था, ए बी सी डी करके देता और ऑप्शन देता कि ए बी सही है या सी डी सही है या ए बी सी सही है, ऑल ऑफ देम करेक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता था. तो ध्यान से देखो, यहां पर आप देखो पहले दो रेगुलर ऑर्डर के वैक्टर है कौन से. ये सी वैक्टर यहां खत्म होगा और यहीं से स्टार्ट होकर यह बी वैक्टर बनेगा, मतलब ये दोनों रेगुलर ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है. इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बनना चाहिए बच्चों बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बनना चाहिए. अब इसको लिखना चाहता तो वैसे लिख सकता था बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, लिख सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है. या इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ये भी लिख सकता हूं, ये भी करेक्ट है. तो इनमें से केवल आपको यही वाला करेक्ट नजर आएगा, बाकी और कोई करेक्ट नजर नहीं आएगा. यहां देखो आप इधर ध्यान से, ये जीरो लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, अगर इसके ऊपर जीरो वेक्टर कर देता तो करेक्ट हो जाता, तो करेक्ट हो जाता अपने पास में, नहीं तब भी करेक्ट नहीं होता सॉरी, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर में नहीं है, गलत हो जाता. ये तो वैसे ही गलत हो गया है क्योंकि तीनों का एडिशन ही इसने, क्लोज पॉलीगन तो है ही नहीं है ना यार अपने पास, ये तो क्लोज. ये वाला अगर होता जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहां होता बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, तो करेक्ट होता. तो ऐसे ट्राइंगल पर बेस क्वेश्चन अपने पास बनकर आ सकता है कि कौन सा करेक्ट है. एक बार ऐसे भी क्वेश्चन बना था बच्चों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है. हाँ जी बच्चों, देखो इधर ध्यान से, आपको ऐसे बना कर दिया, ये ए बी एक वेक्टर ये दे दिया, यहां ए सी दे दिया, यहां ए डी दे दिया, इसको लिख दिया उसने ए वेक्टर, इसको लिख दिया बी वेक्टर, इसको लिख दिया सी वेक्टर, और बोल दिया सामने कि बी सी वैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी वैक्टर. दोनों का मॉड सेम है, यानी बी सी वैक्टर ये वाला होगा बच्चों, सी डी वैक्टर ये वाला होगा, ठीक है. इसको मान लो पी वैक्टर, इसको मान लिया क्यू वैक्टर है, ये पी वैक्टर ये क्यू वैक्टर, ऐसे सवाल आपको दे दिया. अब आपको सिर्फ लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाना, फिर तो जो भी रिलेशन बनवाना चाहेगा बना सकते हो आराम से. यहां देखो आप, तो b वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर बनेगा बच्चों, इस वाले ए सी डी ट्राइंगल के अंदर देखोगे अगर आप, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर b वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, लिख सकते हो आराम से. यहां देखोगे आप, यहां इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे इन ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल में देखते हो आप, तो a वेक्टर प्लस p वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हो b वेक्टर. यहां से अब इसी इक्वेशन को बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर लिख सकते हो क्या बच्चों? इसको आप बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर लिख सकते हो. इसको आप, मैंने इक्वेशन वन दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन टू दे दिया, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी बराबर हो जाएगी.
तो इक्वेशन वन इक्वस टू इक्वेशन टू सी वैक्टर माइनस क्यू वैक्टर इज इक्वस टू ए वैक्टर प्लस पी वैक्टर बच्चों। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर इज इक्वस टू बनेगा अपने पास में इसको उधर सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ये हमारा रिजल्ट बन गया बच्चों। आ गया समझ में? तो ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आपको करना है। चलिए लेते हैं अपन बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने में काम आता है और उसकी डायरेक्शन को भी निकालने में काम आता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अब आता है बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। छोटी क्लास के अंदर आपने पैरेललोग्राम बनाए होंगे बच्चों। लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक ही पॉइंट से स्टार्टेड साइड्स। जैसे मैंने कह दिया ये ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका ए बी साइड जो है बच्चों वो और ए सी साइड जो है ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड कहलाएगी और इनके बीच में ये एक एंगल बन रहा है थीटा। तो इसी पॉइंट से बनने वाला जो डायगोनल होगा वो ये वाला डायगोनल होगा और यही डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। ये पी वेक्टर मान लिया, ये मैंने क्यू वेक्टर मान लिया, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट जो बनेगा वो आर वेक्टर बनेगा। अब आपको इस आर का मैग्नीट्यूड भी बताना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, यानी पी से कितने एंगल पर यह है। सपोज ये अल्फा एंगल पर है, ठीक है। मैं इसके डेरिवेशन पर नहीं जाऊंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। पर ध्यान रखना, इसमें काम की बातें भी बताऊंगा, पहले आपको पहले समझ लो आप। यहां होता है जो आर स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगर पूछ लेता है आपसे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो ये होता है बेटा टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर। ये आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब पी वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है वो आपको बताने में, ये दो फॉर्मूले हमारे काम के बच्चों। पर ये दोनों फॉर्मूले काम तभी करेंगे जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपके पास में होंगे और उनके बीच का एंगल होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर पता हो, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर पता हो और उनके बीच का ये एंगल भी पता हो तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो, टेन अल्फा से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां गलतियां क्या होती ये समझना है आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर वन। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पढ़ने में। जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पढ़ना हो, एक मिनट के लिए शांति से पहले सोचना कि वैलिड एंगल कौन सा है, क्योंकि सवाल में कैसे मार देगा वो आपको। ऐसे देखिए आप कि आपको दे दिया पी वेक्टर और ये दे दिया क्यू वेक्टर और इनके बीच का ये एंगल दे दिया 120 डिग्री और कहा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। बस बच्चा उलझ गया यहां पर, तुरंत उसने क्या किया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा लिख दिया। अब मान लीजिए मैंने आपको पी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 न्यूटन और क्यू का मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया 10 न्यूटन, दोनों के मैग्नीट्यूड भी है उनके बीच का एंगल भी है, तो पी की जगह 10 कर देगा बच्चा। यहां पर 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, यहां 100 आ जाएगा, 2 × 10 × 10 ये भी हो जाएगा 200। कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू कॉस 90 प्लस 30 से कर सकते हो, माइनस 30 आएगा, माइनस 30 का मतलब माइनस हाफ हो गया। तो बच्चों को यहां पर जो मिलता है ध्यान से देखो, पी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, क्यू का स्क्वायर ये भी 100, ये 2, पी की जगह 10, क्यू की जगह 10 और कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, 2 से 2 को उड़ा दीजिए
तो यहाँ से बच्चा लिखता है आर स्क्वायर की वैल्यू मिली भाई 100, तो आर की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन ऑप्शन में होगा, और बच्चा टिक करेगा और आपको -1 मार्क्स गिफ्ट में तैयार मिलेंगे। गिफ्ट मिलता है फिर, ठीक है, ये -1 नंबर का गिफ्ट मिलेगा। वो सवाल तो गया, जो सही किया था उसका भी 1 नंबर खा जाएगा वो, क्योंकि आपने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल गलत पढ़ा है। ये 2 वेक्टर के बीच का एंगल वैलिड ही नहीं है, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल वैलिड कब होता है। तो आप लिख लीजिएगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज वैलिड व्हेन आइदर हेड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स और टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर, टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स आर कॉन्साइड टू ईच अदर, आर कॉन्साइड टू ईच अदर। 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल वैलिड तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स के या तो हेड कॉन्साइड हो रहे होंगे या दोनों की टेल्स, यहां एक का हेड और एक की टेल कॉन्साइड हो रही है, तो यह वैलिड एंगल नहीं है, ये वैलिड एंगल नहीं है। आपको वैलिड एंगल ढूंढना पड़ता है बच्चों, कैसे, डायग्राम्स के थ्रू आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इधर, जैसे कि ये एक वेक्टर है अपने पास P वेक्टर, एक वेक्टर ये वाला बच्चों Q वेक्टर, दोनों वेक्टर्स की टेल कौन साइड हो रही है, तो ये एंगल जो होगा वो वैलिड एंगल होगा। या फिर ऐसे हो बच्चों कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों की हेड्स कौन साइड हो रहे हैं, तो ये एंगल भी वैलिड एंगल है। पर जनरली वो ऐसे देता नहीं है आपको, देता तो ऐसे ही है कुछ आपको कि एक वेक्टर ये दे दिया, एक वेक्टर ये दे दिया, ये क्यू वेक्टर दे दिया, ये पी वेक्टर, और इनके बीच का ये एंगल, ये इनवैलिड एंगल है बच्चों, ये इनवैलिड है। तो आपको वैलिड ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करना होता है। मैंने आपको बताया पहले, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। किसी एक को शिफ्ट कर लीजिए, आप पी को सीधा सीधा आगे शिफ्ट कर दीजिए, यहां पर ये P यहां से उठाकर यहां रख दिया बच्चों, दोनों की टेल को कॉन्सेंट कर दिया, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये यहां का वैलिड एंगल हो जाएगा, खत्म। तो इस सवाल के अंदर जो आपको दिया गया था उसके अंदर भी आपको वैलिड एंगल 120 नहीं मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैंने 120 दिया था, तो 60 डिग्री होगा। तो आप कॉस थीटा की जगह कॉस 60 रखोगे तो उसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर मिलेगा आर स्क्वायर की वैल्यू 300, यानी R की वैल्यू 10√3 के बराबर मिलेगी बच्चों, ठीक है। ये पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा एक पॉइंट और जो हमारे काम आएगा आगे चलकर बड़ा काम का पॉइंट होगा वो, देखिए सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सीरीज के अंदर सेकेंड पॉइंट आ रहा है। वो सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। सेकेंड पॉइंट ये है कि 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट बनता है बच्चों, जैसे मैंने कहा आपसे ये P वेक्टर है और ये मान लो Q वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का ये जो होगा बच्चों एरिया, ये कहलाएगा PQ प्लेन। ये क्या कहलाएगा बेटा, PQ प्लेन कहलाएगा ये, ठीक है, ये होगा PQ प्लेन। दोनों वेक्टर से मिलकर जो प्लेन बनेगा वो PQ प्लेन होगा, और जो इनका रिजल्टेंट होता है बच्चों वो इनका डायगोनल ही होता है ये वाला, और ये रिजल्टेंट जो बनेगा वो रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों वेक्टर से मिलकर बनने वाले प्लेन के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। यानी रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लेन कंटेनिंग ऑफ
बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स से मिलकर बनने वाले प्लेन के अंदर ही वो हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो इस प्लेन से बाहर कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ध्यान से आपको समझाने के लिए ऐसा बता देता हूं कि मान लो बच्चों कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं बिल्कुल, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का ले ले, समझाने के लिए पॉइंट्स को। ये पी वेक्टर, सपोज इसका भी मैग्नीट्यूड मैंने ए मान लिया है, ये क्यू वेक्टर, इनके भी इसका भी मैग्नीट्यूड ए, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर मैंने ले लिए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बच्चों बायसेक्टर लाइन पर आता है, इक्वल मैग्नीट्यूड अगर है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो P से जितने एंगल पर ये होगा, Q से भी उतने ही एंगल पर होगा, बीटा मान लीजिए इसको आप। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो ये दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड पोजीशन पर मिलेगा रिजल्टेंट। पर अगर मान लो Q तो छोटा है बच्चों और P बहुत बड़ा है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर P से जितना एंगल बना रहा होगा उससे ज्यादा एंगल बनाएगा अपने पास में Q से, यानी यहां पर बीटा जो होगा वो बड़ा होगा अल्फा से। बहुत सिंपल सा देशी कहावत बता देता हूं आपको, ये दो मालदार व्यक्ति हैं, एक के पास माल ज्यादा, एक के पास माल कम है, तो रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा माल वाले के पास ही जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो जिसके पास माल ज्यादा होगा, माल मतलब वैल्यूज यार, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जिसके पास वैल्यूज ज्यादा होगी उसके क्लोज होगा, और जिसके पास माल कम होगा उससे दूर हो जाएगा। मान लो आपसे ये कह दिया जाए बच्चों कि क्यू बड़ा है मान लो आप और पी छोटा है, ऐसा भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा बच्चों इनके बीच में यहां कहीं पर आएगा। अब ये ध्यान से देखो, अल्फा बड़ा हो गया और बीटा छोटा हो गया, यानी यहां बीटा छोटा हो गया अल्फा से। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब पी का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब पी का मैग्नीट्यूड क्यू के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट, जिसके पास माल ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसके क्लोज होगा। तो यहां क्यू के पास माल ज्यादा था तो रिजल्टेंट क्यू के पास चला गया, पी के पास माल कम है तो इससे दूर हो गया। ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट बातें थी, वो आपको हमेशा याद रखनी है। उसके अलावा कुछ बातें ऐसी है, एक और इंपॉर्टेंट बात चौथे नंबर की बात बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और किसी एंगल पर अगर काम कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपको हमेशा पता, ये बहुत जगह काम आएगा बच्चों। ये हमारे काइनेमेटिक्स में भी काम आएगा, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आएगा, ये हमारी वेव थ्योरी में भी काम आएगा, ये हमारे एसएचएम के अंदर भी काम आएगा, इन सब के अंदर हमारे रोटेशनल में भी काम आएगा, सब जगह पर काम आने वाला कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही गिना जाएगा बच्चों। व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, देन देयर रिजल्टेंट बिकम्स, देयर रिजल्टेंट बिकम्स बायसेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई टू। देख लीजिएगा भाई क्या मतलब है, समझ लीजिएगा। कोई भी दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो बच्चों, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के ले लिए मैंने, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बायसेक्टर होगा, मतलब कि दोनों से इक्वली इंक्लाइंड पोजीशन पर होगा।
और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई टू आएगा। ए किसी एक का मैग्नीट्यूड आपको लेना है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है, उसका हाफ लेना है। पर इसके चार सब केसेस है बच्चों, सब केसेस भी देख लीजिएगा ध्यान से। पहला कि अगर थीटा इनका जीरो डिग्री का, यानी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर पैरेलल अगर हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है बच्चों वो डबल होकर मिलेगा आपको, ट्वाइस ए। यहां पुट करके देख लीजिए आप, जीरो डिग्री कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो क्या बचेगा, ट्वाइस ए के बराबर। दूसरा, अगर थीटा 60 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट बनता है रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए। अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको, 10 न्यूटन 120 का एंगल जो इनवैलिड था, तो 60 डिग्री का वैलिड बना था, तो उसका रिजल्टेंट कितना आया था, 10√3 तो आया था। तो देख लो, एक की जगह पर 10 पुट कर दिया, 10√3। तीसरा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आर की जो वैल्यू बनती है बच्चों वो रूट टू टाइम्स ऑफ ए बनेगा। चौथा, अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट किसी एक के बराबर बनता है बच्चों। ये चार केसेस आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये चारों केसेस अगर आपको याद हैं तो आप बड़े प्यार से सवालों के आंसर दे पाएंगे। एक पॉइंट और बता देता हूं, पॉइंट नंबर 5, जो कि इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का लिए हमारे लिए आखिरी पॉइंट बन जाएगा बच्चों। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है बच्चों हमारा, पॉइंट नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 5 कि कोई भी दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, व्हेन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, देन एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। जब भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ही होगा बच्चों। कैसे, समझ लीजिएगा ध्यान से। मान लो कि ये एक वेक्टर है पी वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बच्चों क्यू वेक्टर, ये इनके बीच का वैलिड एंगल है। अब बोला है कि रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो मुझे मालूम है भाई पी वेक्टर क्यू वेक्टर के बीच में ही रिजल्टेंट रहने वाला है, इन दोनों से बाहर तो जाएगा नहीं, तो वो रिजल्टेंट ऐसे परपेंडिकुलर जा सकता है। यहां पर ये आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर पी के साथ जितना एंगल बना रहा है वो अल्फा होता है, वो 90 डिग्री का आपको दिया हुआ है। तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, अब इस क्यू वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दीजिए और इस पी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दीजिए, बन गया पैरेललोग्राम बच्चों हमारा। अब अगर ध्यान से देखो तो अल्फा गिवन है आपको, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है बच्चों क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा के बराबर। अब अल्फा की जगह 90 पुट करोगे, 10 90 की वैल्यू थी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0, तो मैं यहां पर 1/0 लिख देता हूं बच्चों। ये बना क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो यहां से मिलेगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है बच्चों माइनस पी बाई क्यू आएगी। यानी आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा जो आ रहा है वो जो माइनस में आ रहा है, और आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एएससीसी रूल पढ़ा होगा बच्चों, ये रेशियो अपने पास में जो आ रहा है वो माइनस के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो हो नहीं सकता, कंफर्म है। 90 से बड़ा एंगल होगा तो फर्स्ट और फोर्थ का नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी होता है, तो पक्की बात है 90 से बड़ा एंगल ही बनेगा, और 90 से बड़ा एंगल अगर बनेगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ही कहलाता है। इसका मतलब है कि जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं पर भी किसी सवाल में लिख रहा हो ऐसा कि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर या वन वेक्टर, कुछ भी लिख रहा हो, तो तुरंत समझ लेना कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी बाई क्यू है, अल्फा 90 डिग्री गिवन है और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी बाई क्यू के बराबर है, और एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूस ही बनेगा दोनों वेक्टर्स के बीच में। ये चार पांच बातें ऐसी जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपको हमेशा याद रखनी है। अब रही बात इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बच्चों, तो क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे इस पर बने हैं, वो क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हम करेंगे उन क्वेश्चंस को, और साथ में लिखेंगे, साथ में लेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन, ठीक है। वो होने के बाद बच्चों आएगा लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो कोई होता नहीं है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स का वो भी हो जाएगा अगली क्लास के अंदर, सब्ट्रैक्शन तक का। फिर उसके बाद हम लेंगे एक और क्लास जिसके अंदर हम प्रोडक्ट ले लेंगे और साथ में ले लेंगे हम कंपोनेंट्स वाला खेल,
वहां पर वेक्टर अपना खत्म, हार्डली तीन या चार लेक्चर के अंदर वेक्टर मैं खत्म कर दूंगा, चार लेक्चर। आज ये सेकंड लेक्चर था, अगले लेक्चर के अंदर पहले इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में लॉ ऑफ पॉलीगन और सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर उसके अगली क्लास के अंदर हम कंपोनेंट लेना, प्रोडक्ट लेना सिखा देंगे और उस पर बेस क्वेश्चन अपने पास में कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों फिर अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।